हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? और भाई, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस टाइम में। मेरा नाम ध्रुव है। तो भाई, ये सामने आप देख रहे हो किया सेल्टॉस, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका HTX वेरिएंट है, ये पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन। एकदम डिटेल में बात करूँगा क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइजिंग है, कितना माइलेज है, क्या इंजन है, कितना स्पेसिफिकेशन है, प्लस कितना बूट स्पेस है, सभी कुछ एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये Hyundai Creta का सबसे बड़ा राइवल है। हम सभी जानते हैं ये गाड़ी क्यों Creta से ज़्यादा नहीं बिक पाती। पहले पहले बिकी थी, बट अब करंट फेज़ में क्यों नहीं बिक पा रही, वो मैं आपको बताऊँगा। इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जिसके लिए आप सभी समझ भी गए होंगे वो क्या है। भाई देखो, इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 13,85,000 एक्स शोरूम कॉस्ट है, और वहीं पर ऑन रोड प्राइस इसकी 16,34,000 है। इस प्राइसिंग में इस गाड़ी में फीचर्स भरे पड़े हैं। इसके ऊपर जो GTX सीरीज़ आती है, उसमें कंपैरिजन में सिर्फ आपको रेड एक्सेंट्स नहीं मिल रहे, बाकी हेडलैम्प, टेल लैम्प, फॉग लैम्प पूरी यूनिट सेम है, फुल LED जो आपको मिल रही है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। तो आपको ऐसी कुछ लॉक अनलॉक बटन मिल जाते हैं चाबी पे, प्लस एक रिमोट इंजन स्टार्ट है, और यहाँ पे टेलगेट रिलीज के लिए एक बटन है। गाड़ी को जैसे आप फ्रंट से देखोगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा ना, इसके जो ORVMs हैं वो वेलकम फंक्शन के साथ आते हैं। हालांकि अभी गाड़ी अनलॉक्ड ही है, तो जैसे ही पास जाओगे आपके जो ये हैं ORVMs, वो अपने आप रिट्रैक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, इसके क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स बहुत प्यारे लगते हैं। DRLs आप देख लो, वहीं पे आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। नीचे आइस क्यूब फॉग लैम्प्स आपको मिल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा इसका कम करके दिखाऊं, ये देखिए कैसी उनकी लुक आती है, बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। उसके बाद बात करें हेडलाइट की, तो हेडलाइट भी इसकी काफ़ी पावरफुल है। मैं आपको अंदर से इसकी हेडलाइट दिखाऊंगा, कुछ ऐसा आपको चाइम सुनाई देता है जब आप लॉक एंड अनलॉक करते हो। टाइगर नोज ग्रिल आप देख सकते हो फ्रंट में, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश और आपका क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आता है, बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी में फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं है यहाँ पे, बट आपको सिल्वर ट्रीटमेंट में स्किड प्लेट्स है, और इसकी लोअर ग्रिल जो है वो पूरी ब्लैक्ड आउट है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले मैं और एक चीज़ बता दूँ, 1800 mm इस गाड़ी की विड्थ है। सो जब सेल्टॉस में रेयर सीट पे तीन एडल्ट की बात कर रहा हूँ, वो बैठेंगे ना तो बहुत कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। सो यहाँ पे गन मेटल फिनिश में कुछ अलॉय व्हील्स हैं, डायमंड कट इसके ऊपर वाले, ये जो आप देख रहे हो GTX वेरिएंट खड़ा है उसमें आते हैं, बट यहाँ पे आपको गन मेटल फिनिश ग्रे कलर में बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड इसकी अगर मैं बात करूँ प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको 215/60R 17 inch के व्हील मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा व्हील साइज़ है। डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे फ्रंट में ऑफर किया जा रहा है, एज वेल एज रेयर में। गाड़ी को साइड प्रोफाइल से देखोगे, काफ़ी प्रोपोर्शनेट है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। देखिए कैसी एकदम मस्त एरोडायनामिक्स हैं इस गाड़ी के। ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल LED टर्न इंडिकेटर के साथ हैं। डोर हैंडल्स पे क्रोम मिल जाएगा आपको, पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड पे मिल जाएगा। यहाँ पे विंडो लाइन क्रोम में अगेन मिल जाती है, जो अच्छी लगती है। ए पिलर ग्लॉस ब्लैक में है, बी पिलर मैट ब्लैक में है। यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट में रूफ रेल है, ये इसकी सनरूफ है, एंड वहाँ पे शार्क फिन एंटेना। तो Creta क्यों ज़्यादा बिकती है? पैनारोमिक सनरूफ की वजह से। इसमें रेगुलर सनरूफ आती है जो छोटी साइज़ की है, वही एक रीज़न है। नहीं तो सेल्टॉस एक बहुत अच्छी कार है। जब बात परफॉर्मेंस की आती है, या फिर रिफाइनमेंट की आती है, फीचर्स की आती है, हालांकि सेफ्टी वाइज आप बोल सकते हो इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो इसके रेयर प्रोफाइल में, सो भाई ऐसा कुछ रेयर प्रोफाइल है। ऑल्सो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अंडर बॉडी डैमेज होगा, स्पीड ब्रेकर गड्ढों पे से आराम से गाड़ी आप निकाल लोगे। सो ऐसा कुछ रेयर प्रोफाइल है। आपकी पूरी यूनिट LED है, सिर्फ ये टर्न इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हो हैलोजन में है, प्लस आपकी जो रिवर्स लाइट आ जाती है। दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करता है ये क्रोम वाला बार। अब क्रोम पे गिया का लोगो है, तो वो दूर से इतना विजिबल नहीं होगा, ये देख रहे हो विजिबिलिटी कम हो जाती है उसकी। थोड़ा डार्क कलर होता तो उस पर दिख जाता। सेल्टॉस की क्रोम में ब्रांडिंग है। चार पार्किंग सेंसर्स आते हैं पीछे। ऑल्सो यहाँ पे स्किड प्लेट्स सिल्वर में आपको मिल जाएंगी। सिल्वर ट्रीटमेंट में आपके एग्जॉस्ट जो आपको दिखते हैं फेक एग्जॉस्ट टिप्स, वो अच्छे लग रहे हैं देखने में। हालांकि एग्जॉस्ट नीचे है, बट ये देखने में वैसा लगता है।
देन बूट स्पेस की बात करते हैं भाई। उससे पहले ये देखो, रेयर वॉशिंग वाइपर, रेयर डिफॉगर्स, हाई स्टॉप माउंट लैम्प। ऑल्सो इसकी नंबर प्लेट लाइट जो है ना वो येलो कलर में है, वाइट एलईडी में दी रहती तो और अच्छा रहता। देन यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा है, ये रहा, यस ये रिवर्स पार्किंग कैमरा। 433 लीटर्स का बूट स्पेस आता है सेल्टॉस में। कैसी लग रही है आपको गाड़ी बताओ कॉमेंट सेक्शन में। यहाँ पे ऊपर टेलगेट में एक ग्रैप पॉइंट है, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक की इंसुलेशन है। अब इन केस कैसा होता है ना, बूट ओपन करने के लिए अंदर से तो कुछ है नहीं, चाबी पे है या तो पीछे रिक्वेस्ट सेंसर है उससे खोल लो। अब सोचो कभी गाड़ी की बैटरी लो हो जाए, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपनी चाबी निकाल के यहाँ पर डाल सकते हो, उसको ओपन कर लोगे डोर, फिर आप इन सीट्स को गिरा देना। आप डिक्की कैसे खोलोगे, बिकॉज कोई बटन तो, या फिर आप सिर्फ रिक्वेस्ट सेंसर, वो इलेक्ट्रिक है पूरा, ठीक है, उस हिसाब से खुलेगा। बट स्टिल आप अपनी चाबी को यहाँ डालो, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इधर की तरफ स्लाइड कर दो, ये साइड जो लोगो बना पड़ा है भी यहाँ पे, तो आपकी डिक्की इससे ओपन हो जाएगी मैन्युअली। तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। 433 लीटर्स का बूट स्पेस, अच्छा बूट स्पेस है, क्रेटा में भी सेम आता है, पार्शल ट्रे आपको मिल रही है, सीट का 60-40 स्प्लिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ग्रॉसरी हुक यहाँ पे है, बूट लगेज लैंप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्सो नीचे की तरफ यहाँ पे देखते हो स्पेयर व्हील है जो कि स्टील रन आपको मिलता है, और भाई कसम से बड़ा बूट स्पेस है। सो ये हो गया रिगार्डिंग इसके बूट स्पेस के। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेल्टॉस में ऑफर की जाती है, या फिर आप क्रेटा बोल लीजिए, तो ऐसा कुछ देख पा रहे हो पूरे यहाँ पे इसके जो एस्थेटिक्स हैं गाड़ी के। साइड में थोड़ा सिल्वर ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है जो अच्छा लग रहा है देखने में। भाई गाड़ी लगती है एक नंबर है। अब देखो आप किया कि कैरेंस हो गई, सोनेट हो गई, सेल्टॉस हो गई, या फिर कार्निवल तो बाहर गई है, कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो इनमें से, और अगर आप मुंबई या मुंबई के आसपास से हो तो प्लीज़ इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लो। इससे फ़ायदा ये होगा, इन गाड़ियों पे वेटिंग पीरियड बहुत है, हो सकता है आपको यहाँ पे कम वेटिंग पीरियड मिल जाए, गाड़ी जल्दी मिल जाए, बेस्ट ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अगर कोई भी गाड़ी पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप कॉल करें, मेरे चैनल का नाम लें, तो डेफिनेटली आपको एक बेस्ट टू बेस्ट सर्विस भी दी जाएगी। याद से कॉन्टैक्ट करना, ये नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। सो यहाँ देखिए, फोर वीएम्स अपने आप रिट्रैक्ट हो गए। अब बात कर रहे हैं इसके इंटीरियर की। सो यहाँ पे ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है, इवन इसके अंदर थीम सीट्स बेज में है। तो आपको यहाँ पे पूरा ये जो जितना भी बेज आप देख रहे हो, ये पूरा सॉफ्ट टच है, आपको लेदर फिनिश मिल रही है यहाँ पे, बहुत प्रीमियम लगता है। इंटीरियर डोर हैंडल सिल्वर ट्रीटमेंट में है, ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर है, ये आपके ओवरवीएम के कंट्रोल्स, ये इलेक्ट्रिक विंडोज के कंट्रोल, और ये वन टच अप वन टच डाउन ड्राइवर साइड पे मिलता है। एंटी पिंच फीचर के साथ ये विंडो लॉक बटन और आपका बॉटल स्टोरेज, और यहाँ पे स्पीकर वेंट्स आ गए जो डायमंड कट फिनिश में है, अच्छे लगते हैं। सीट्स की बात करते हैं, तो ये मैनुअली इस प्राइस पॉइंट में आपको मिल रही है, एंड यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है। ये वेंटिलेटेड सीट नहीं है हालांकि, बट स्टिल ठीक है, प्राइसिंग कहाँ से कहाँ चली जाती। तो यहाँ पे आपको 8-way मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, पैसेंजर सीट 6-way मैनुअली एडजस्टेबल, और पीछे वाली रो भी आपको 2-way मैनुअली एडजस्टेबल मिल रही है, सॉरी ये 4-way मैनुअली एडजस्टेबल है, थोड़ी सी रिक्लाइन भी हो जाती है, प्लस उसके हेडरेस्ट ऊपर नीचे होते हैं। सो भाई यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, और यहाँ पे आपका इल्यूमिनेशन है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आप बढ़ा सकते हो, समझो सूरज सामने है एकदम, तो विजिबिलिटी के मामले में इशू आते हैं, तो फुल इल्यूमिनेशन कर दो इसका। तो ये देखो आप कम भी कर सकते हो उसको, और उसको फुल भी कर सकते हो, तो आपको एक अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। और ये हेडलाइट लेवलर है आपका, यहाँ पे फ्यूल कैप ओपन करने के लिए लिवर दिया है, ये पॉलीथिन के ऊपर गंदा हुआ है बाय द वे, नीचे की तरफ नहीं है, थोड़ा बहुत है बट स्टिल बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, मैंने नहीं किया है, वो पहले से था। देन भाई इंटीरियर की बात करते हैं, क्या कंफर्ट है अंदर। सो सबसे पहली चीज़, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है, सेल्टॉस की ब्रांडिंग है, अगर ये GT लाइन होता तो GT लाइन लिखा होता है यहाँ पे। लेदर आप स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं आपके इंफोटेनमेंट के, यहाँ पे कंट्रोल्स हैं आपके क्रूज कंट्रोल और MID से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा स्टेयरिंग व्हील यस आपका टेलीस्कोपिक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो गई, यहाँ पे टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील, हाइट एडजस्टेबल सीट, तो आप अपने हिसाब से गाड़ी को अच्छे से अरेंज करके चला सकते हो अपने कॉन्फिडेंस में।
यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं आपके वाइपर के, यहाँ पे कंट्रोल्स हैं आपके ऑटो हेडलैम्प और आपके टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स। बात करें अगर इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यस ऐसा कुछ यहाँ पे आता है इसका ग्राफिक आप बोल सकते हो। सो ये डोर मैं बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एनालॉग प्लस डिजिटल है, डिजिटल में आपका TFT MID डिस्प्ले बीच में आप उसे बोल सकते हो। सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे आ जाएंगी। आपकी डिस्प्ले में यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका ऑडोमीटर रीडिंग है, अभी फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखा रहा है इसमें। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड इन्फो दिखाएगा, उसके अलावा ड्राइवर्स इन्फॉर्मेशन और आपका डिजिटल स्पीडोमीटर। देन यहाँ पर आपको मिल रहा है इसमें एनालॉग स्पीडोमीटर, आपका टैकोमीटर और एनालॉग स्पीडोमीटर यहाँ पे है, टेम्परेचर गेज ये रहा और आपका फ्यूल गेज ये रहा। सो एकदम नीटली ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज आपको वहां पे दिखेगी। ऑल्सो आप जब भी आप हेडलाइट या फिर अपने वाइपर्स को ऑपरेट करेंगे तो वो चीज आपको वहां भी दिखाएगा, ताकि आपको अपनी जो ध्यान है यहाँ पे ना लगाना पड़े। अब जैसे कि मैं ऑन करता हूँ तो ये देखिए ऑटो पे आ गया, ये पार्किंग मोड पे आ गया और ये आपकी हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, सेम वाइपर का है। अब मैं सूखे कांच पे तो वाइपर नहीं चलाने वाला, बट स्टिल सेम ऐसे वाइपर का आता है कौन से मोड पे आप वाइपर चला रहे हो। अब हेडलाइट के थ्रू की बात करूँ ना, तो भाई ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी करंटली ऑफ है। अब मैं यहाँ पे है ना इसके जो है DRLs ऑन करता हूँ, एक मिनट। यस अभी करंटली DRLs ऑन है। अब सिर्फ मैं अगर फॉग लाइट ऑन करूँ इस गाड़ी की, तो ये देखिए ये सिर्फ फॉग लाइट है वाइट कलर की, जो LED आपको आइस क्यूब मिल रही है ना, ये देखो बंद कर देता हूँ, ये देखो कितना ज़्यादा आपको वहाँ तक थ्रो मिल रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ तक। अब बात करते हैं हेडलाइट की, तो फॉग लाइट के साथ लो बीम चलाते हैं, तो ये लो बीम है, ठीक है, और फॉग लाइट के साथ ही हाई बीम ये है। तो देख रहे हो आप, पहले फॉग लाइट यहाँ तक थी, लो बीम यहाँ तक और हाई बीम, तो अकॉर्डिंगली अब हाई बीम बंद करता हूं, सॉरी आपका जो हाई बीम है वो बंद करते हैं, यहां से देखो पूरा लिट अप हो गया, ये हाई बीम बंद हुआ, फिर ये लो बीम बंद हुआ और ये आपके फॉग लाइट, आप समझ गए। तो अगर पूरा डार्क है तो ये फॉग लाइट आगे, फिर आपका आ जाता है लो बीम और ये आपका हाई बीम आ गया। तो कितना एकदम अच्छा लग रहा है। और अगर पास दूं ना, तो ये देखो अभी डार्क है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, आप बताओ। बहुत पावरफुल हैं इसके हेडलाइट्स जो आपको LED बेस्ड मिल रहे हैं। देन यहाँ पे बात करें तो आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ और USB कंपैटिबिलिटी के साथ। इस पे साउंड मूड लैंप भी आते हैं, प्लस आपको यूवो कनेक्टेड कार टेक टेक्नोलॉजी मिलती है। आप अपने ऐप के थ्रू गाड़ी की पूरी टेलीमैटिक्स एंड हेल्थ अपडेट्स ले सकते हैं, प्लस आप शीशे नीचे करके AC चालू कर लो एंड ऑल, सारी आप चीज़ें फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो। स्मार्ट प्योर एयरिफायर, आपका प्योरीफायर भी, आपको एयर प्योरीफायर बोलते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है जो कि इसके नीचे है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो इस पे मैं पूरे फीचर्स कवर कर चुका हूँ, प्लस वो स्पीकर्स में कैसे आवाज़ आती है। अब ये टॉप मॉडल तो नहीं है, तो टॉप मॉडल में बोस के आते हैं स्पीकर्स, इसमें जो आते हैं वो आकमेज के आते हैं। तो मैंने इस पे रिव्यू किया है कैसी आवाज़ आ रही है, क्या क्या फीचर्स हैं, आप चैनल वो वीडियो देख लो, लिंक उसकी नीचे पहली ही मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपका हैजर्ड स्विच है, ये AC वेंट्स हो गए, उसके अराउंड सिल्वर ट्रीटमेंट है, इवन ये वाले AC वेंट्स के अराउंड। यहाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस वेरियंट में दिया जा रहा है, अच्छी चीज़ है इस प्राइस पॉइंट में। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक स्टोरेज कंपार्टमेंट, फोन वोन रख सकते हो। नीचे 12V का सॉकेट है, देन यहाँ पे USB पोर्ट है ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, और ये USB पोर्ट है फास्ट चार्जिंग के लिए। तो ये चीज़ें हैं, कुछ स्पेस है नीचे, आप अपना वॉलेट, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन कुछ भी आप रख सकते हो। मैनुअल गियर नॉब आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये चीज़ मैं वापस लगा दूंगा, बट स्टिल ये देखिए आपको कुछ ऐसे 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन जो मिल रहा है। नीचे लेदर अपहोल्स्ट्री है, ग्लास फिनिश ऊपर है, सिल्वर फ्रेम है आजू बाजू में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। ऑल्सो एक मिनट, यस यहाँ पे आप व्यू बटन आपको मिल जाता है, जैसे ही आप चलती गाड़ी में उसको व्यू करेंगे तो आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा दिख जाएगा वहाँ पे। ये कुछ 2 cup होल्डर्स है यहाँ पे, दूसरी गाड़ियों की चाबी है सोनेट और ये वाली कैरेंस की, उस पर भी वीडियो लाना है। तो यहाँ पे हैंड ब्रेक की टिप एल्यूमिनियम फिनिश में है, ये आपका आर्मरेस्ट
चूँकि लेदर फिनिश में है। ऑल्सो इसके नीचे आपको एयर प्योरीफायर मिल रहा है, तो ये काफ़ी मोटा है और स्पेस इसमें अच्छा खासा स्पेस है। सोनेट में एयर प्योरीफायर देने के बाद ना ख़त्म ही हो जाता है आर्मरेस्ट में स्पेस, बट यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दिया है। नीचे इस तरफ बात करें तो आपको फर्स्ट एम्बिएंट लाइट भी दिख पा रही होगी यहाँ पे। सो इधर मिल जाता है ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइज का, अच्छा बड़ा है, बट इसमें कोई लाइट वाइट नहीं है यहाँ पर, अगर ठीक है। आपको IRVM ऑटो डिमिंग यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर, इसमें अच्छी खासी कुशनिंग है तो स्क्रैचेस इतने नहीं आएंगे। यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। लाइट्स की बात करते हैं तो भाई देखो क्या मस्त LED लाइट्स मिल रही है आपको यहाँ पर, एकदम फुल ब्राइट कर देता है कैबिन को। अब भाई ये हो गया पूरा रिगार्डिंग द फ्रंट कैबिन। यहाँ पे ड्यूल एयरबैग्स हैं आपका ड्राइवर और पैसेंजर। अब क्रैश टेस्ट में इतना वेल टू डू नहीं है गाड़ी, और भी बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं जो रोड पे हो रहे हैं, बट स्टिल आपको बहुत से सेफ्टी फीचर इस प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं इस गाड़ी में, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब चेकआउट करते हैं इसका रेयर कैबिन कि पीछे आपको क्या क्या मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर आपको ब्लैक देन बेज, यहाँ पे सेम कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, पूरा लेदर अपहोल्स्ट्री है यहाँ भी, देन सिल्वर इंटीरियर डोर हैंडल, सन ब्लाइंडर्स इंटीग्रेटेड आपको मिल रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो स्पीकर वेंस, ये 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, ये सीट थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है पीछे की तरफ, एंड यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच वाले पैसेंजर को भी हेडरेस्ट है। आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है जो अभी निकाल तो नहीं पाऊंगा, बट स्टिल उसमें 2 कप होल्डर्स हैं, एंड ये कुछ ऐसे बेज में सीट है। अब मैंने ये ड्राइवर सीट है ना पूरी पीछे ली है, ये पूरी पीछे है, मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से आप नी रूम देखिए भाई, एक नंबर नी रूम है पूरी पीछे करने के बावजूद। लेग रूम अच्छा है, यहाँ पे आपको सीट पॉकेट्स मिल रही हैं, यहाँ मोबाइल पॉकेट ये साइड पे है, ये साइड पे नहीं है। तो इंटीरियर्स है ना बहुत लग्जरी फील होते हैं, एक अलग ही लेवल की प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड लेआउट है, ये AC वेंट्स, यहाँ फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट, एक कभी स्पेस मोबाइल रखने के लिए। यहाँ पे हम्प ऑलमोस्ट फ्लैट है ये वाला, तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो नी रूम के रिगार्डिंग इशू नहीं, हेड रूम अच्छा मिलेगा, प्लस आपको अंडर थाई सपोर्ट भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ना के बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर थाई सपोर्ट कितना अच्छा है। सो वो जो 1800 mm की विड्थ है ना चौड़ाई, वो यहाँ पे काम आएगी। इवन शोल्डर रूम में इतनी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज मेरा शोल्डर देखिए कहाँ है आर्मरेस्ट के, कितना ये है, तो बीच में पैसेंजर बैठ सकता है। और बहुत कंफर्टेबली बैठना है तो 2 एडल्ट बीच में एक बच्चा बैठे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। 3 एडल्ट में भी कोई इशू नहीं आएगा अगर लॉन्ग ट्रिप पे भी जाते हो। यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल हैंडल बार है, कोट हुक के साथ आपको यहाँ पे सिर्फ हैंडल बार मिलता है, कोई कोट हुक नहीं है। ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको मिल रही है, क्वार्टर क्लास भी है अच्छा खासा, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको कैबिन में इतना फील नहीं होगा। यहाँ पे पार्शल ट्रे आपको मिल जाती है, सो कंफर्टेबल है। अगर आपको मैं दिखाऊं ना तो ये देखिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, देख रहे हो आप, सो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। तो भाई ये हो गया इस गाड़ी के पूरा इन एंड आउट। ओके, एंड ऑल्सो फीचर्स में आपको सभी कुछ बता चुका हूँ, कम्फर्ट कन्वीनियंस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस गाड़ी में कुछ कमी महसूस हो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इलेक्ट्रिक सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको मिल जाएगी, जो कि इतना ज़्यादा प्राइस पॉइंट, जो इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी लेगा तो उसके लिए कोई इतना इशू नहीं है उस GTX वेरिएंट पे जाने का, बट स्टिल वो भी ऑन द कॉस्टलियर साइड ही है। तो ये हो गया पूरा रिगार्डिंग पूरा गाड़ी के। अब इंजन एंड ट्रांसमिशन जो आपको मिल रहा है प्लस माइलेज की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ना गाड़ी का इंजन चालू कर देता हूँ, आप खुद आवाज़ सुन लेना कितनी इसमें आवाज़ आ रही है। जस्ट अ सेकंड। यस, ये भी चालू हुआ है। तो यहाँ पे है ना आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 113 BHP और 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है। ये तो ऐसी कुछ आवाज़ है इंजन की। 16.5 KMPL का माइलेज प्रोड्यूस करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में ये, तो एक अच्छा माइलेज फिगर्स हैं। अब वो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि आप कितना माइलेज निकाल पा रहे हो, ये देखो। एंड कोई इंसुलेशन नहीं है,
बिकॉज इंजन जो है अच्छा खासा रिफाइंड है, आवाज़ इतनी नहीं आती इसकी। जब मैं हुड बंद कर दूंगा फिर आप सुनो, ये देखो इंजन चालू है, इतनी आवाज़ आपको आएगी नहीं, ठीक है। जो है इधर माइलेज भी फिगर्स अच्छे हैं। सो भाई ये था पूरा इन एंड आउट इस गाड़ी के बारे में। अब देखो वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ आपको, प्राइसिंग, कंफर्ट, फीचर्स, सेफ्टी, बूट डिक्की में कितना स्पेस है। तो उस प्राइसिंग पे हिसाब से जो फीचर्स मिल रहे हैं ना यार, एक फैमिली कार के लिए डेफिनेटली वर्थ इट है। बट जब बात सेफ्टी की आती है तो इससे बेटर ऑप्शंस हैं मार्केट में, ठीक है। बट बहुत से लोग सेल्टॉस एंड क्रेटा इसीलिए बाय करते हैं बिकॉज इनकी जो क्वालिटी होती है ओवरऑल इंटीरियर में, जो प्रीमियमनेस मिलती है, प्लस फीचर्स मिल रहे हैं और जो इतना रिफाइंड इंजन मिलता है, तो उस वजह से ये गाड़ियाँ कहीं स्टैंड आउट होती हैं। सो ये था पूरा इस गाड़ी के बारे में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। अपने को जल्दी 200,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।